जय हिंद बच्चों। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, विषय कक्षा नौवीं, विषय अंग्रेजी। अंग्रेजी विषय में कक्षा नौवीं के ब्लू प्रिंट को आज हम डिस्कस करेंगे। नौवीं के बच्चे पहली बार हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं, शायद इसके पहले वो ब्लूप्रिंट से परिचित नहीं है। तो बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, ब्लूप्रिंट एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर के फ्रेमिंग का। ये क्वेश्चन पेपर जब आपके किसी भी विषय के आते हैं तो उन क्वेश्चन पेपर को में जो नंबर ऑफ मार्किंग होती है, क्वेश्चन पेपर के जो टाइप्स होते हैं, उनको एक पैटर्न में डिस्क्राइब किया जाता है और उसी पैटर्न पर आपका पूरा प्रश्न पत्र बनता है, वही ब्लूप्रिंट होता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि नौवीं के छात्र छात्राएं यदि इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से सुनते, समझते और देखते हैं तो शायद उनके लिए अंग्रेजी विषय के पेपर को सॉल्व करना इजी होगा। बच्चों, आपको बता दें कि ब्लूप्रिंट में आपको ये यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, हमें इन्हें समझना है। आपका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र कैसे होगा, आपको बता दें कि आपका पूरा अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें पूर्णांक 80 मार्क्स होंगे, 80 नंबर का पेपर होगा, साथ में 20 नंबर के प्रोजेक्ट वर्क होंगे। प्रोजेक्ट वर्क पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इस 80 नंबर के पेपर के पैटर्न की बात कर रहे हैं। आपके पेपर का जो टाइमिंग होगा वो 3 घंटे होगा। और बच्चों, ये ब्लूप्रिंट आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों ही परीक्षाओं के लिए एक सा रहेगा और इसी पैटर्न पर आपके पेपर आएंगे। तो अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं स्टार्ट होना है, तो आप इन्हें अभी समझें और इसके आधार पर आप तैयारी करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ देखिए, ये जो कॉलम है, यहाँ इकाई एवं विषय वस्तु लिखी हुई है, यहाँ पर इकाई पर आवंटित अंक लिखे हैं, यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक, अंकवार प्रश्नों की संख्या 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, और यहाँ कुल प्रश्न के नंबर दिए हुए हैं। इसको अब जानने से पहले आपको यहाँ, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका पूरा प्रश्न पत्र यानी जो आपका नौवीं में अंग्रेजी विषय का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और नीचे जाएंगे अभी हम इसमें, तो यहाँ पर आप ये दिख रहे हैं सेक्शन डी। आपका प्रश्न पत्र 4 सेक्शन में डिवाइड है। हम शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होगा, मतलब आपका जो पहला प्रश्न आएगा ना बच्चों, इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको एक अनसीन पैसेज आने वाली है, दूसरे प्रश्न में भी एक दूसरी अनसीन पैसेज आएगी, और इनमें जो नंबर ऑफ टोटल मार्किंग है ये 10 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, यानी एक अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिनको पढ़ करके आपको उस पैसेज को पढ़ के उनके क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे, और दूसरी ही अनसीन पैसेज में से भी ऐसे ही एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन 5 रहेंगे और एक क्वेश्चन पर 1 अंक होगा। तो आप देखिए, वस्तुनिष्ठ लिखा है ना, तो 1 अंक के कितने प्रश्न हुए, 5, और दूसरे अनसीन पैसेज में भी 1 अंक के कितने प्रश्न हुए, 5, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। अब आप सेक्शन बी पे बात करेंगे। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन कहलाता है। बच्चों, राइटिंग सेक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें याद करके लिखनी होती है या समझ करके जो हमें लिखना होता है वह राइटिंग कहलाता है। तो इसमें प्रश्न तीसरा जो होगा, जैसे क्वेश्चन 3 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें एक नोट मेकिंग का पैसेज आएगा, उसमें आपको नोट्स बनाना है और साथ में टाइटल लिखना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका टोटल एक ही प्रश्न होगा 4 नंबर का, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन 4 में लेटर राइटिंग आना है। लेटर राइटिंग आपको पहले भी आपने 8th क्लास में सीखी होंगी, इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने 3 डेज सिक लीव की एप्लीकेशन याद की होगी, या लेटर राइटिंग में आपने कोई ऑफिशियल लेटर याद किया होगा, या इनफॉर्मल लेटर यदि ब्रदर या सिस्टर की मैरिज में जाने के लिए, ब्रदर या सिस्टर की मैरिज में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए लेटर राइटिंग सीखी होगी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, तो वो लेटर राइटिंग का एक फुल क्वेश्चन आएगा बेटा आपको 4 नंबर का, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन फाइव आएगा, लॉन्ग कॉम्पोजिशन कहलाएगा। मतलब इसमें आपको ऐसे पूछा जा सकता है, आर्टिकल राइटिंग पूछी जा सकती है या पैराग्राफ राइटिंग पूछी जाएगी। और ये इसमें नंबर्स जो हैं वो है 16 मार्क। अब इसमें जो लॉन्ग कॉम्पोजिशन बेस्ड एक फुल क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग पूछी जाएगी। इसके बाद इसी में आर्टिकल और पैराग्राफ के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन पे बेस्ड होगा, और इसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं 16 मार्क्स हो गए हैं, तो 16 मार्क्स में एक क्वेश्चन नोट मेकिंग का हो गया 4 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन लेटर राइटिंग का हो गया 4 नंबर का, 8 मार्क्स हो गए। अगला एक क्वेश्चन पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का हो गया 3 नंबर, 8 और 3 11, और एक और 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया आपका ऐसे आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग का, तो 11 और 5 16। ऐसे आप देख रहे हैं इसमें 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये क्वेश्चन यहाँ पर 4 हुए और नंबर हो गए 16। अब सेक्शन सी आपका जो होगा वो 10 नंबर का होगा, और इसमें पूरे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे, वो एक एक नंबर के होंगे, और 5 क्वेश्चंस में डू एज डायरेक्टेड पैटर्न में प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जैसा निर्देश दिया जाए वैसे आपको प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं 5-5 नंबर के। सेक्शन डी बच्चों आपको पता ही है कि आपकी 2 बुक्स इस साल आपकी इंग्लिश में चल रही है। पहली बुक का नाम वी हाइव है और दूसरी बुक का नाम जो है वो मोमेंट्स है, जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। बस अब यहाँ पर क्वेश्चंस की शुरुआत इन किताबों से होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका टेक्स्चुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपकी वी हाइव किताब से होंगे, और इसमें 1-1 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज ऑब्लिक पोएट्री, इससे भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो वी हाइव बुक से ही आएंगे, वो भी 1-1 नंबर के 6 प्रश्न होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 11 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी वी हाइव बुक के लेसन में से क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, और ये 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 6 क्वेश्चन जो होंगे, आप देख रहे हैं ये कॉलम अभी हमने इसमें जाना, ये 2 नंबर वाला कॉलम है, आप देख रहे हैं इसमें ऊपर ये 2 नंबर वाले, तो 2 नंबर वाले ये जो क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे 6, ठीक है। अब 6 2 12 नंबर हो गए। इसके बाद ऐसे ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फिर आपके फ्रॉम पोएट्री से आएंगे, ये 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ये 4 नंबर हो गए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम मोमेंट्स आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक से आएंगे, ये भी 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 2 2 4 यहाँ पर हुआ। इसके बाद में फिर क्वेश्चन 14 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ आएंगे, ये आपकी जो बिहाइव किताब है इससे बड़े प्रश्न वाले प्रश्न आएंगे, और ये 3 नंबर के प्रश्न होंगे, और ये 2 प्रश्न होंगे, यानी 3 2 6 नंबर इसमें होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 15 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी पोएट्री से पूछे जाएंगे, और ये केवल 1 प्रश्न आएगा जिसपे 3 नंबर होंगे। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन 16 फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी मोमेंट्स बुक से, और ये 1 क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। ऐसे कुल यदि हम इन सब नंबरों को यदि प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो आप ये देखें कि आपके 44 मार्क्स का सेक्शन डी होने वाला है, जिसमें बीहाइव और मोमेंट्स ये जो बुक्स हैं आपकी, इन दोनों बुक्स में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें टेक्स्चुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ प्रोज और पोएट्री के लॉन्ग प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, और सप्लीमेंट्री रीडर बुक आपके मोमेंट्स के भी लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसलिए सेक्शन डी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर वे में पूरी बुक पढ़ना है, समझना है, और उनके प्रश्न उत्तरों को याद भी करना है, तब आप इतने अंक पा सकेंगे। बच्चों यहाँ एक बार जरूर आपको हम बता दें कि प्रश्न पत्र के लिए कुछ निर्देश बताए गए हैं, कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, इस क्वेश्चन पेपर में 1 प्रश्न क्रमांक 1 2 7 8 9 और 10, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा ना 1 2 7 8 9 और 10, अब आप देखें
एक दो सात आठ नौ और दस में यदि हम नीचे इसको कर्सर करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक में अनसीन होगा, दो में भी अनसीन पैसेज होगा, सात में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आठ में डूएस डायरेक्टेड होंगे और नौ में टेक्स्चुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और दस में भी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न में ही प्रश्न होंगे और ये सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब एक एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे कि आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे और उनको उनमें से एक सही उत्तर लिखना होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेतु एक अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से और समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इनमें अति लघुत्तरीय प्रश्न जो दो अंक के होंगे इनको 30 शब्दों में, तीन अंकों के प्रश्नों को 75 शब्दों में, चार अंकों के प्रश्नों को लगभग 120 शब्दों में और पाँच अंक के प्रश्नों को 150 शब्दों में लिखना होगा। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य पुस्तक से प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। 2021 और 22 के 22 में जो कम किए गए पाठ्यक्रम हैं उसमें से प्रश्न नहीं आएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप अपने स्कूल टीचर से जो लेसन विहाई बुक में और मोमेंट्स बुक में कम किए गए हैं उन्हें ज़रूर अपने टीचर से पूछ लें और उस लेसन की तैयारी आप ना करें, इनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये एक अच्छी बात है जो ध्यान रखना है। और पाठ्य वस्तु पर आधारित जो प्रोजेक्ट वर्क है जिसे प्रायोजना कार्य कहते हैं इसके लिए 20 अंक निर्धारित होंगे। तो बच्चों आपका ये पूरा ब्लूप्रिंट हमने यहाँ पर आपको समझाया, आप इसके अनुसार तैयारी कीजिएगा, निश्चित तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।